एफएम को मैं फिर नई एपिसोड में आ गया जिसका नाम है रमजान की बातें साथ के साथ। आपने देखा होगा कि जो लोग रोजा रखते हैं उनको गर्मी और भूख से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब भी चढ़ते कि मैं क्यों नहीं खा रहा। अगर उनको ज्यादा गुस्सा आ जाए तो सबको डांटते हैं मैंने रोज़ा खोल लिया, बस अब मैं पानी पी रहा हूँ। गुस्से से वो ऐसे ही कर लेते हैं। और मैं तो रोज़े में मुझे एक बार इतनी ज़्यादा प्यास है कि मैंने गलती से पानी भी खोल लिया, मैं भूल गया। तो फिर ऐसे तो नहीं करते ना कि इतनी जल्दी खोल लेते हैं। वैसे मुझे इतनी भूख लग रही थी, फिर भी मैंने सुबह तक बर्दाश्त किया। सुबह दोपहर तक और शाम होगी और तब उससे पहले मुझे बहुत प्यास लगी थी। अभी रोज उस वक्त रोजे खोलने का टाइम नहीं था ना, शाम हो गई थी, लेकिन मैंने खोल लिया। असल में हमें रोजे में ना भूख और प्यास में ना और गुस्से में भी कंट्रोल रखना होता है, वरना कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका कंट्रोल ही ना होगा सही तरह, और फिर आपके दिमाग से वो निकल जाएगा कंट्रोल, और आप फिर पानी ये सब पीते रहोगे तो सारे लोग देखते रहेंगे। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि सारे लोग देखते रहते हैं कि वो समझते रहते हैं फिर कि रोज़ा नहीं रखा इसने और अभी खोल लिए। ऐसे तो नहीं करते ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो मैं उसको रोकने का आपको एक तरीका बता सकता हूँ। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो ना तो एक काम क्या करें, तुम भूख को प्यास लग रही हो, एक काम क्या करें, और एक किसी जगह में जैसे कि मैं बैठ हूँ किसी जगह में ना बैठ के ना और बिल्ला पड़ते नहीं, अगर और बिल्ला से काम नहीं चलता तो और बिल्ला पढ़ के ना थोड़ी देर सो जाए करें। सोने में मरे मरे के खावाएंगे कि मैं ये सब खा रहा हूँ, लेकिन असल में खाएंगे नहीं। उसके बाद शाम हो जाएगी, सब उठा देंगे और फिर आराम से रोज़ा खोल लेंगे, खा लेंगे फिर आराम से। अच्छी टेक्निक होती। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आउज बिल्ला पढ़ने से शैतान हमें गुस्सा करते हैं, तो जब आप आउज बिल्ला पढ़ते हैं तो शैतान भाग देते हैं और हमारा गुस्सा भी भाग देता है शैतान की तरफ, तो शैतान को गुस्सा आता रहता है। जैसे कि गुस्सा भाग के, जैसे कि हमारे अंदर से गुस्सा भाग के उसके अंदर गुस्सा जा जाता है, वैसे भी उसको गुस्सा आता है। पहले वो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करता था, लेकिन एक दिन नबी का उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उसको लगा दिया जन्नत से, और अभी तक उसको आग पड़ती रहती है, अल्लाह ताला ने उसको कैद कर दिया। अब कल मिलूँगा अच्छी बात के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बेल आइकन को भी दबाना और लाइक भी करना मुझे को। अल्लाह हाफिज़।